क्या बोली लाडू? प्रणाम एवरीवन, आज है 31st of October एंड मैं हूँ नेहा शर्मा। मैं बनाती हूँ वीडियोस, व्लॉग, ट्रैवल, फूड चैलेंजेस एंड बहुत सारे एंटरटेनमेंट बेसिस पे। सो अभी मैं घर आ चुकी हूँ कल, एंड अभी दिवाली है तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, साफ़ सफाई करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ बनाना है खाने को। सो यही सब होते रहेगा कुछ दिन तक, जब तक दिवाली ख़त्म नहीं हो जाती, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो फॉर दैट प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। और हाँ, और एक चीज़, आज बहुत ही स्पेशल 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 डे है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है आज। उसका नाम है राजेश्री गांगली, जो कि है मेरी चिरकुट। हम लोग बहुत साल से दूर रह रहे हैं, बट बीच में मिलना हो जाता है। वो अपने हायर स्टडीज़ के लिए बाहर रहती है, सो हम लोग फ्रिक्वेंटली बात भी नहीं कर पाते हैं। बट वेन एवर वी टॉक, ऐसा लगता है कि यार कल ही तो बात हुआ था, एंड यही सेम चीज़ मैंने उसको बोली थी। एंड मैं इतनी गंदी लड़की हूँ, इतनी गंदी बेस्ट फ्रेंड हूँ कि अभी तक उसको कॉल तक नहीं किया है। सो मैं जाती हूँ अभी, उसको कॉल करूँगी। एंड प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार दो उसको, मतलब जस्ट प्रे दैट शी इज़ ऑलवेज हैप्पी सेट। एंड बर्थडे तो विश कर ही दो सब उसको। सो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बर्थडे के लिए एक तो गिफ्ट बनाया था, जो कि मैंने आज तक रखा है। इट्स बीन 6 years एंड ये देखिए, शी मेड, उसने खुद से अपने हाथों से बनाया था ये एक्सप्लोरिंग बॉक्स। तो हमारी जो घर की बंदर है वो सो के उठ चुकी है और अभी शैतानी कर रही है। इसको दिख गया है मेरा टेडी बियर, जो कि श्रुति ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। सो वो उसको अब नहीं छोड़ने वाली है, और ये होने वाला है बहुत गंदा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डस्ट आता है, कोयला का डस्ट आता है। तो ये तो बचने वाला है नहीं जब तक ये ऐसे है, और ये माता छोड़ेंगी नहीं। लाडो ये क्या है? लाडो ये भालू है, ये टेडी बियर है। टेडी बियर क्या गिर गया? गिर गया, वो गिर गया, उसको उठाओ। उसको प्यारी कर दे जाके लाडो, अच्छी से प्यारी कर दो उसको। भालू को प्यारी कैसे करती है लाडो? लाडो सबको हाय कर दो। पुच्ची कैसे देती है? राधे राधे करो सबको, राधे बोलो, राधे राधे। वाओ, बुआ को प्यारी कर दो, प्यारी करो, पुच्ची दो यहाँ पे। कैसे हंसती कैसे लड़ो? ओके गाइस, तो अभी हम लोग का लंच कंप्लीट हुआ है एंड बज रहे हैं अभी 4। मतलब इतना लेट हो गया है लंच करते करते, क्योंकि बहुत सारा काम था आज हम लोग को करना था। साफ़ सफाई करनी थी, पोछे वोछे लगाने थे, डस्ट वगैरह जो हो गया था वो सब साफ करना था, मतलब कुछ साइज करने का है वो सब भी करना था। तो फाइनली ये सब कंप्लीट हो गया एंड कमर की बहुत ज़ोर से बैंड बजी है, मतलब कभी इधर कभी उधर ऐसे चल रहा था सब। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को हम लोग थोड़ा मार्केटिंग के लिए जाएंगे मेरे पापा के साथ। दिए वगैरह जो लेके आने हैं वो सब लेके आ। ना ये बच्ची सोती है और ना ही किसी को सोने देती है, कितनी बदमाश लड़की है, मुझे बचाओ कोई। क्या बोली? बचाओ कोई, कैसे बोली? तो मैं अभी जस्ट सो के उठी एंड इट 6 o'clock, मेरी आवाज सुन के पता चल रहा होगा कितना डीप नींद था। मतलब सारे पुर्जे एक हो गए हैं भाई साहब, इतना पेन हो रहा है ना, कमर और हाथ सब, सबका बैंड बजा हुआ है आज। सो आज तो बहुत टायर्ड फीलिंग आ रही, देखते हैं क्या होता है आगे। आज कुछ करने के लिए हिम्मत होगी। हमारी लाडो माता आ गई है, और यहाँ हमारी ये लाडो माता जो किसी को सोने नहीं दिए, ना खुद सोई है, खाली रो रो के एक तो नाटक करती है दिन भर।
बच्चे को ना एक एक बार इच्छा करता है बहुत मारू, फिर ये जो ऐसे हरकतें करती है ना उससे प्यार आ जाता है इसके ऊपर। इसको ये देखो पेपर खा रही है, पेपर खा रही है, अभी इसको थप्पड़ मारू इसको प्यार करू। प्यारी कर दो सबको। डॉगी, हाय राम, इसको एक स्नैपचैट का फिल्टर है डॉगी वाला, वो वाला इतना पसंद है कि फोन ऑन होने से उसको लगता है कि मैं सिर्फ वही फिल्टर के फोन ऑन करती हूँ, तो ये हमेशा मेरे गोदी पे आके बोलेगी डॉगी डॉगी। नहीं है डॉगी, बुआ व्लॉग करती है, सबको बोला करो हेलो गाइस गाइस। ये देखो ये ना हमेशा बदमाशी करती, तो इसकी मम्मी इसको पैर से बांध दी है, ये देखो पैर से बांध दी, और ये अभी रो रही है, बोल रही है बुआ बुआ खोलो खोलो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती है ये बच्ची। तू बता तू इतना बदमाशी क्यों करती है लाडो, क्यों करती है? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, आज के बाद नहीं करेगी ना ऐसे? बोलो नो, बोलो नो, हाँ नहीं बोलो नो, बोलो नो बुआ नहीं करूंगी, बोलो नो। ये देखो मोती जैसे आंसू मेरी बेटी के। ओके सो मैं तो जा नहीं पाई अपने पापा के साथ में मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे कमर में थोड़ा पेन था, तो मैं नहीं गई, मेरे पापा गए एंड मार्केट से कुछ कुछ सामान लेके आए हैं, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि हम लोग क्या क्या। सो एक्चुअली हम लोग मारवाड़ी फैमिली है, तो हम लोगों में ना मतलब जितने भी मारवाड़ी फैमिलीज है या जो बिलीव करते हैं, हम लोग लड्डू गोपाल रखते हैं अपने घर में, मतलब इज अ चाइल्ड, मतलब बच्चे के जैसे उसको रखते हैं, दिन का खाना नाश्ता रात का खाना एवरीथिंग, उनको रोज ड्रेस चेंज करना, उनको नहलाना, उनके मतलब कुछ भी ओकेजन हो उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ तो आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बॉट ड्रेसेस फॉर लड्डू गोपाल, हम अपने लड्डू गोपाल के लिए न्यू ड्रेसेस लेके आए हैं, ये है और एक ये है दोनों के लिए, एंड उसी के मैचिंग में लेके आए हैं ये दो ठो मतलब नेकलेस जैसा माला, यू कैन सी दिस, ये उनका ड्रेस का सेट हो गया है। थ्री वेयर्स के लिए ऐसे वो ड्रेसेस लेके आए हैं जो कि हम धनतेरस के दिन और भाई दूज के दिन पहना सकते हैं, तो वो ये दो चीज़ है, मतलब ये टू पेयर्स। और हम आते हैं हमारे गणेश जी लक्ष्मी जी के लिए, जिनके लिए भी नए ड्रेसेस आते हैं, उनको भी अच्छे से मिलाया जाता है, ये दो ड्रेसेस आई है उनके लिए भी सेम वैसी ही दो माला लेके आए हैं, और ये कपड़ा जो कि नीचे हम लोग बिछाएंगे जब पूजा होती है, वो जो भी एरिया में हम पूजा करते हैं, तो वो कपड़ा कलकत्ता में रहते थे जो वहाँ से लेके यहाँ तक मैं हमेशा यही देखी हूँ कि हमारे यहाँ पे ये सब स्टिकर्स लगाते हैं, ऐसे वाले शुभ लाभ वाले पैर वाले ऐसे, तो ऐसे टाइप के हम लोग सब जगह लगाते हैं अपने घर में, मतलब अच्छा माना जाता है, एंड एक होता है दिवाली का क्रेज़ कि ये सब लगाएंगे, मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ ये सब लगाने के लिए, तो मज़ा आएगा। उसके बाद मेरे पापा लेके आए हैं ये वंदर माला जो कि न्यू है, ऐसे एंट्रेंस में हम लगाएंगे, कुछ स्टिकर्स जैसे होते हैं, मतलब जैसे समथिंग ऐसा नीचे में हम बिछाते हैं हर साल, ऐसे जहाँ पे पूजा करते हैं उसी के सामने में ऐसा टाइप का कुछ लगाते हैं हम लोग उसको। फिर आता है हमारा ये गणेश जी लक्ष्मी जी का जो सामग्री होता है पूजा सामग्री, वो एक किट आता है ऐसा टाइप का, यहाँ पे ठीक से नहीं मिलता इतना, पर कोलकाता में मिलता है, और ये शायद मेरे पापा ही लेके आए हैं, कोलकाता गए थे तो ये मेरे पापा लेके आए हैं ये पूरा किट, इसमें सब कुछ होता है मतलब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दिवाली, जो कि है दियो की, तो बहुत सारे दिए लेके आए मेरे पापा, मेरे पापा को इतना आइडिया नहीं है फैंसी चीज़ों का, तो वो नॉर्मली जो दिए होते हैं वही लेके आए हैं। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सरसों का तेल जिससे हम लोग दिए जलाते हैं, एंड जो मेन दिया होता है वो शायद हम घी का जलाते हैं, तो ये सब बाहर के दियो के लिए है। ये हो गई सारे दिए में लगाने वाली वो सब चीज़ें हैं, एक थैला भर के दिए मेरे पापा पता नहीं इतने सारे दिए क्यों लेके आए, बाप रे इस बार तो बहुत ज़्यादा दिए लेके आए, आई गेस ये 300 to 400 दिए होंगे, ये पूरा बैग्स रे,
पूरा दियो का ही है। बाप रे, यही थी आज की शॉपिंग। जितने भी सामान हम लेके आए हैं, और भी शायद कल कुछ लेके आ सकते हैं, जैसे कि मुझे रंगोली बनानी है तो मेरे को रंगोली का सामान वगैरह भी खरीदना है, तो मैं भी कल मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊंगी मार्केट एंड वहाँ से लेके आऊंगी रंगोली का सामान और कुछ डेकोरेटिव आइडियाज जो मेरे को चाहिए होगा। सो दैट वॉज इट, आज का शॉपिंग इतना ही था। कैसे बनती है भिंडी? बनो। So that was it for today's vlog. I hope you enjoyed the video, and if yes, then please do like, share and subscribe to my channel. अगर आप ये करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत मोटिवेशन मिलेगा, एंड बेल बटन बजा लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज आएंगे तो पता चल जाएगा। सो